Recording in progress.2024 skill level exams. This is your wake up call. The time to book your exam spot is now. Why wait? Exam centers have limited seats and they fill up fast. The earlier you book, the better your chances of securing a spot. हेलो सर, हाय सफा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सफा हेलो, हेलो। अब आ रही है क्या? हाँ अब बेटर है। जस्ट गिव मी 2 मिनट, मैं बी बैक इन 2 मिनट्स। ओके ठीक है, ओके।
या सफा, अब मुझे बताओ अपने डाउट्स, मेरा हाँ सर तो आया नहीं है। यस सर, सर मैंने एक मॉक टेस्ट किया था और आज मैं सेकंड करूंगी, और मैंने मैराथन वीडियो मॉक सब टेस्ट में देखे कितने हैं। मार्क्स आए तुम्हारे? हाँ मेरे ना 79 आए थे। 79। ओके दैट्स गुड, फर्स्ट वेरी मॉक गुड। में, फर्स्ट मॉक में आए थे, बट सर उसमें भी थोड़े डाउट्स थे मुझे। मुझे एक्चुअली सर मेन डाउट है ना, जब स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड प्रॉफिट होता है ना, उसको निकालने में ही आ रहा है, और मार्जिनल तब कॉस्टिंग और जस्ट आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। हाँ। और सर है ना, एक और एक दो डाउट्स वहाँ आ रहे हैं, जब मुझे ना फॉर्मूलाज वो सब याद है, मुझे टेबल्स भी याद है, बट द थिंग इज दैट कि सर जब बोलते कि नेट बजटेड प्रॉफिट निकालना है और बजटेड प्रॉफिट गिवन है, तो वो कौन सा क्या है ना, उसमें खाली प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, बजटेड स्टैंडर्ड और एक्चुअल में। हाँ कि जैसे कि ना सर क्वेश्चंस तो मेरे डाउट्स है सर, तो 11.11 वो जस्ट वन सेकेंड सफा। यस हाँ सफा, डाउट जो देखो, जो चीज तुमने बोली है ना सफा, दैट आई एग्री, वो चीज होती है, एंड वो दैट्स अ थिंग जिससे फर्क पड़ता है चीजों में। बट द पॉइंट इज कि वो ना सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी, जो तुम्हारे जितने भी ये बजटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल बजट और जो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से, उसकी क्या हो गया आजकल ना, चीजें बड़ी भूलने लगे हूँ मैं तो जो स्टैंडर्ड एक्चुअल तुम्हारा है, प्लस जो तुम कह रही हो कि तुम्हारे को एक तुमने क्या बताया था, किस चीज में डिफरेंस बताया था? सर जैसे कि नेट प्रॉफिट निकालना है, बजटेड हाँ, नेट एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट। और मार्जिनल में। हाँ तो वो उसका वर्ड टर्मिनोलॉजी मुझे पता नहीं पड़ेगी, स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स है कि नॉर्मल बजटेड प्रॉफिट है कि वो हमें वो प्रैक्टिस से ही होगा सफा, देखो वो चीज ऐसी है, वो प्रैक्टिस से ही तुम्हें पता चलेगी उसका। अगर मैं बोलूँ ना कि नॉर्मली तुम्हें मैं कोई भी लॉजिक बता दूँ, वो नहीं हो पाएगा। बस तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल मीन्स कि एक्चुअल जो हमने सेल्स करी है उसमें हमारे कितने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लगने चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, वो चीज है मेन। अरे एक सेकेंड, सर ठीक है ना? हाय अक्सा, हाय सर, सर टुडे आई हैव बुक्ड माय एग्जाम, यू बुक द एग्जाम, गुड, एंड विच डेट यू प्लानिंग? इट्स गोइंग टू बी ऑन 7th अप्रैल 7th नेक्स्ट ऑफ वीक। अप्रैल नेक्स्ट मंथ। ओके, सो यू हैव टाइम, गुड टाइम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले आज डाउट्स लेते हैं, जो स्पेसिफिक डाउट्स है, फिर हम जनरल बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सफा, देन आक्सा। अभी हर्ष आ जाएगा, तो हर्ष आई एम गोइंग फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। हाँ ठीक है। सफा, तुम मुझसे डाउट पूछो, कौन से? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग 11.11 11.11। ओके, सो 11.11 क्वेश्चन में क्या डाउट है तुम्हारे को, या पूरा क्वेश्चन कराऊं? नहीं सर, इसमें फ्लेक्स बजट प्रॉफिट ओके इसमें। हम हाँ देखते हैं, द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द, अरे एक सेकंड, क्या हो गया? द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ द कंपनी कंपनीज ओनली प्रोडक्ट इज गिवन बिलो, सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट लेबर 4 आवर्स, $20 पर आवर, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल फिक्स, ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ये हमारा सेम रहेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने वैसे कराया था, बट कोई बात नहीं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा है $5, है ना? और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमने सोचा था कि बजटेड सेल्स हमारी कितनी होगी, 8,000। तो 8,000 × 5, 8,000 × 5, दैट मीन्स 40,000 हो गया हमारा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एज पर बजट। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जनरली हमारा जो है वो चेंज नहीं होता, फिक्स प्रोडक्शन हाँ ओवरहेड बट जो हमारा है दैट जनरली डोंट चेंज, तो ये चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ हमने एक्चुअली कितने यूनिट सेल करे हैं, वी हैव सोल्ड 6,000 यूनिट, क्योंकि हमने इतने ही अपनी बुक्स में एब्जॉर्ब कर लिए होंगे। तो एक्चुअली हमने यूनिट किए 6,000, तो सेल प्राइस
माइनस, अगर मैं यहाँ पे सीधा अपना वेरिएबल कॉस करता हूँ तो 80 प्लस 21, तो 1701 माइनस 118, सो एक तरह से मेरा जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है इट इज 17. मैंने एक्चुअली सेल किए हैं 6000 यूनिट, तो बजटेड सेलिंग प्राइस, बजटेड डायरेक्ट लेबर, बजटेड मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर मैं इतने एक्चुअल यूनिट सेल करूंगा तो बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा इतना आना चाहिए, 17 into 6000, तो 102000 शुड बी माई बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन. उसमें मैं माइनस करूंगा अपना फिक्स कॉस्ट जो मैंने बताया था, जो कभी भी चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट नेवर चेंजेस. तो 40,000 ही हमारी बजटेड रहेगी. सो दैट मीन्स बजटेड प्रॉफिट जो हमारे होंगे इट विल बी 62,000. बच्चे मार्जिनल के बेसिस पे कि एब्जॉर्प्शन के, ये तो मार्जिनल के बेसिस पे, बट यहाँ मेंशन कहाँ किया है कि नहीं, कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन छोड़ दो, यू जस्ट लीव मार्जिनल एब्जॉर्प्शन. मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस तब आएगा जब तुम्हारे को क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, क्लोजिंग तो यहाँ तो ना क्लोजिंग स्टॉक है ना अच्छा, ओपनिंग स्टॉक. तो इस तो अगर सर अपन कौन प्रॉफिट पर यूनिट से भी कर सकते थे, राइट? हाँ वैसे भी कर लो, देखो प्रोडक्शन एंड सेल्स वर 8,000, मतलब ना क्लोजिंग स्टॉक है ना ओपनिंग स्टॉक, ओके। तो अगर वैसे करोगी तो सेल्स कितना आएगा तुम्हारा, इट इज 118 into 6000, इतना ही सेल करे होंगे. हाँ कॉस्ट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारा एक आता है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में हमारा डायरेक्ट लेबर इतना है, डायरेक्ट मटेरियल इतना है, सो 121 into 6000. क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है ही नहीं, तो यहां से, और यहां से हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। उसमें से हम माइनस कर देंगे अपना, या इसको इसमें से माइनस कर देंगे अपना फिक्स कॉस्ट, सॉरी बजटेड फिक्स कॉस्ट, हमें फ्लेक्स प्रॉफिट निकालना है ना, तो बजटेड फिक्स कॉस्ट हमारा है 40,000, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट. ओके ठीक है। तो मैंने एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल के थ्रू देखा था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई जैसे थी। भी करो डजंट मैटर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट में डिफरेंस तभी आएगा जब तुम्हारा क्लोज, देयर इज क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक. अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के बीच में कभी चेंज नहीं आ रहा. सो प्रोडक्शन एंड सेल्स वर 8,000, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स वर 6,000, तो देर वॉज नो क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक. चाहे तुम एब्जॉर्प्शन यूज करो चाहे मार्जिन यूज करो, प्रॉफिट विल बी सेम इन बोथ दी सिचुएशंस. और सर बजटेड कंट्रीब्यूशन है, तो सर बजटेड दिस इज सेल्स बजट होगी ना? कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, सो ओके इट शुड बी द एक्चुअल सेल्स, नॉट द बजटेड सेल्स। नहीं, ओके बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन तो वही होगी बजटेड सेल्स के साथ, 8,000 into 817, सो 8,000 into 17 ये हमारी होगी बजटेड सेल्स. स्टैंडर्ड सेल्स विल बी 8,000, ओ सॉरी 6,000 into 17, ये होगी हमारी स्टैंडर्ड सेल्स, और एक्चुअल ओके सेल्स हमारी होगी जो भी हमें 6,000 कितने का सेल हुआ जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. ओके ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन निकाले ना टोटल, इसलिए। ओके यस, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके और पूछो सर डाउट. सर 11.12 अच्छा, 11.12 इसी का नेक्स्ट, उसमें क्या है? अच्छा, बजटेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर द पीरियड, रेवेन्यूज ऑफ एन फॉर एन आउटपुट लेवल ऑफ 4,000 यूनिट्स आर गिवन बिलो. इट इज नोन दैट आफ्टर एन आउटपुट लेवल ऑफ 5,000 देर इज अ स्टेप ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ 1,000, के आउटपुट तक की हमें जो 4,000 के आउटपुट है उसकी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ये बताया हुआ है कि अगर हमारा आउटपुट लेवल 5,000 से ऊपर चला, 5,000 चला जाता है, तो देर वुड बी अ बजटेड स्टेप कॉस्ट ऑफ 1,000. ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट. वॉट इज द फ्लेक्स बजटेड प्रॉफिट फॉर आउटपुट लेवल ऑफ 6,000? तो फ्लेक्स बजटेड प्रॉफिट मतलब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल. फ्लेक्स का मतलब ही होता है कि जितने एक्चुअल यूनिट्स हमने सेल किए हैं उनके लिए स्टैंडर्ड हमारा कितना है. एक होता है हमारा नॉर्मल बजट कि हमने जैसे 8,000 यूनिट्स बनाने थे. फ्लेक्स बजट मतलब इट इज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फ्लेक्स को याद रखना, फ्लेक्स मीन स्टैंडर्ड, कि जो एक्चुअल यूनिट्स हमने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी बजटेड फिगर्स क्या होंगी, एंड देन आता है एक्चुअल. तो फ्लेक्स इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे अब सेम तरीका है, यहाँ पे हमारे को फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 4,000, ठीक है, और बजटेड हमारे को दिया हुआ है 4, हमने 4,000 बजट करा था, 4,000 के लिए हमारा बजट है 4,000 into 4 दैट इज 16,000.
लेकिन अब हमें बताया गया है कि हमें पता चला है कि आउटपुट लेवल अगर 5 से ऊपर होता है तो हमारा 1000 की स्टेप अप फिक्स कॉस्ट आएगी, एंड आउटपुट यहाँ पे 6000 है तो फिक्स कॉस्ट हमारी 1000 से बढ़ जाएगी, तो 17000 हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे भी बोला हुआ इतने यूनिट्स, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो यू कैन सिंपली यूज मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज 12, सो 12 × 6000, तो दिस इज 72000 माइनस फिक्स कॉस्ट विच इज 17000, तो 72000 माइनस 17000 इट शुड बी 55000, तो 55000 शुड बी द आंसर। ओके सर या हर्ष? अच्छा नहीं, ओके कूल। आई थॉट हमें पर यूनिट पूछा हुआ है, तो आई वाज सेइंग कि फिक्स्ड कॉस्ट ये 17000 को 6000 से डिवाइड करके पर यूनिट निकालना नहीं पड़ेगा। नहीं 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 वो करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ ओके अंडरस्टूड। ठीक है, सर, और 15.41 15.41। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट मंथ। सो 15.41 हमें निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट मंथ। ओके, अ कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, द बजटेड प्रॉफिट एंड बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर द मंथ वर 25000 एंड 12000। के हमें बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ है और बजटेड फिक्स ओवरहेड हमें दिया हुआ है, ठीक है, बजटेड प्रॉफिट एंड बजटेड फिक्स ओवरहेड हमें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने हमें बोला है कि हमारे को सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, ठीक है, देखो हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, बजटेड प्रॉफिट, और हमारे को निकालना क्या है यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, बजटेड हाँ, तो कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट में से हम कंट्रीब्यूशन एडजस्ट करेंगे ना, प्रॉफिट अगर हमें दिया हुआ है, हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो प्रॉफिट में हम फिक्स कॉस्ट ऐड कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन इज दिस माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट, यही होता है ना। करती हूँ, अच्छा मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। हाँ, तो हमारे को इन्होंने यहां पे दिया हुआ है कि बजटेड प्रॉफिट है हमारा 25000 और फिक्स कॉस्ट हमें दिया हुआ है 12000, तो बजटेड कंट्रीब्यूशन हमारा 25 + 12 37 आ जाएगा। ओके, और फिर सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन एडजस्ट करेंगे बस इसको करने के बाद तुम अपना एज पूरा जो तुम्हें एक्चुअल इट प्रॉफिट इज। निकालना है तो सारा एडजस्ट करोगे। ओके, तो यहां से अगर मैं निकालूं 37000 एडवर्स कंट्रीब्यूशन है हमारा सेल्स का, तो सेल्स का एडवर्स कंट्रीब्यूशन 1000 एडवर्स, सेल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल 2000 ऐड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एडवर्स 4000 माइनस, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया हुआ है 500। हमें निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट। एक सेकेंड, 37000 माइनस 1000 प्लस 2000, इसमें से हम करेंगे, हमें दिया हुआ है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर इतना है, बजटेड फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस इतना है, सो 12000 सर माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट अगर निकालना है तो फिक्स एक्सपेंडिचर तो हमें एनीवेज बाद में जाके सबट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैंने कर दिया, हमने पूरा फॉर्मेट यूज कर लिया ना। तो ये थे हमारे बजटेड और फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर, हमारा एडवर्स आ रहा है तो एडवर्स हमने यहाँ पे, सॉरी एडवर्स है तो माइनस होगा, एडवर्स है तो माइनस, फेवरेबल होता तो ऐड, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 37000 माइनस 1000 प्लस 2000 माइनस 4000 माइनस 12000 माइनस 500, इट इज 21500, दिस शुड बी द आंसर। तो मैंने पहले बजटेड कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, वो निकाल के मैंने अपना पूरा क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे किया, तो हमारे को एक फिगर के बाद जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर हमें बजटेड फिक्स कॉस्ट, जो हमारी बजटेड फिक्स कॉस्ट थी उसमें प्लस माइनस हम करते थे अपना एक्सपेंडिचर हाँ, वेरियंस। ठीक है। और बताओ, और पूछो, सॉरी।
सॉरी सर, एमटीक्यू में डाउट MTQ क्वेश्चन नंबर बताओ। 25.2. हाँ सर, मुझे नहीं आया समझ. अच्छा 25.2 पूरा समझ नहीं आया। ठीक है, सो 25.2 में लिखा क्या हुआ है, हमें इसमें करना क्या क्या है। सो इसमें लिखा हुआ है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रेजेस नंबर्स टू करेक्टली कंप्लीट द कमेंट्री ऑन ईच रिजल्ट्स। कॉनॉय यूजेस दिस कॉस्टिंग। ओके, कॉस्टिंग कौन सा वो यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, फिक्स ओवरहेड। प्रॉफिट लिखा हुआ है तो ये क्या यूज करता होगा, एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन. मार्जिनल। एब्जॉर्प्शन, तो ये एब्जॉर्प्शन. हमारा आंसर आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन। गुड। इन द लास्ट मंथ एक्चुअल सेलिंग प्राइस वॉज डैश स्टैंडर्ड। तो अगर हम देखें स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस था $100 पर यूनिट, ठीक है, और इसमें हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस हमारा आ रहा है फेवरेबल। सेल्स प्राइस वेरिएंस फेवरेबल का मतलब क्या है कि हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस ज्यादा था। सेलिंग प्राइस फेवरेबल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल माइनस प्राइस एक्चुअल. इनटू एक्चुअल इनटू क्वांटिटी। एक्चुअल. और मैंने बताया था दिस इज एडवर्स टू फेवरेबल, याद है। लॉजिकली अगर हमारा सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस फेवरेबल है मतलब हमने ज्यादा के महंगी की चीज बेची है, तो यहां हो जाएगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस वॉज हायर देन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज एक्चुअल यूनिट सोल्ड वर दिस मोर देन लेस देन बजटेड। ओके, अब एक्चुअल यूनिट सोल्ड देखते हैं हम, तो वो हो जाएगा हमारा एक्चुअल वॉल्यूम वेरिएंस में। अब वॉल्यूम वेरिएंस हमारा एडवर्स है, वॉल्यूम वेरिएंस इज 50,000 एडवर्स। 50,000 एडवर्स का मतलब क्या है कि हमने एक्चुअल सेल्स जो की है वो कम की करी है। हाँ, देन बजटेड. अब यहाँ पे आ जाएगा कितने हमारा यहाँ पे अमाउंट आएगा यहाँ पे। सो अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, विल यूज दी फॉर्मूला। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल बजटेड सेल्स स्टैंड बजटेड सेल्स माइनस माइनस एक्चुअल एक्चुअल सेल्स सेल्स इनटू इनटू स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्राइस। प्रॉफिट. स्टैंडर्ड प्राइस होता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यही होता है। सर, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट होता है ना. नहीं, वॉल्यूम वेरिएंस में, हाँ प्रॉफिट, सॉरी स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 50. 50 का प्रॉफिट है। हमारा वेरिएंस कितना आ रहा है, 50,000। 50,000. तो 50,000 डिवाइड बाय 50 अगर मैं करता हूँ, हाँ इट इज ओके. 1,000। तो मतलब बजटेड हमारा ये कितना आ रहा है, ये एडवर्स आ रहा है, दैट मीन्स बजटेड वॉज हायर देन दिस बाय 1,000, है ना। अगर मेरा ये इज इक्वल टू 50,000 है, ये इसे डिवाइड हो गया तो आ गया 1,000। तो बजटेड माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू 1,000, दैट मीन्स बजटेड ज्यादा है एक्चुअल कम। हाँ. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, एक्चुअल यूनिट सोल्ड वर 500 लेस दैन द बजटेड। सॉरी 500 बोल गया मैं, 1,000 लेस दैन द 1,000. बजटेड। एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू वॉज, अब एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू हमारा कितना है, तो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू हम यहां से निकाल लेते हैं कैसे, कि हमारा एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे को यहाँ पे सेलिंग प्राइस वेरिएंस है, यहां से हमारा प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी हमारी कैसे निकलेगी, एक्चुअल हमें क्या निकालना है, रेवेन्यू हमें निकालना है, सेल्स कितनी है। तो सेल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारी सेल्स बजटेड सेल्स हमें निकालनी है, एक्चुअल सेल्स वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू। सर, स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है, तो उससे अगर हमने पर यूनिट निकाल लिया एंड देन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हमें पता है 50,000 है, उससे सब्ट्रैक्ट किया तो मालूम चल जाएगा. देखो हमारे को, यू आर सेइंग हमें निकालना, एक सेकेंड, सारा चश्मा का दौर रखा है। हमारा क्या है पॉइंट यहाँ पे, हमें निकालना है एक्चुअल सेल्स, कि सेल्स हमारी कितनी है, हमें सेल प्राइस वेरिएंस भी दिया हुआ है,
स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स भी हमें दिया हुआ है, इट इज 1000 फेवरेबल, तो ये तो वैसे भी हमारा नॉर्मल फॉर्मूले से ही निकलता है ना। हाँ सर, हमारा प्रॉफिट है 50, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स इज 1000 फेवरेबल। नहीं, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स इज 450 के। फोर हाँ फिफ्टी फोर फिफ्टी हाँ, स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स इज 450। तो अगर मैं यहां पे करता हूं 450 डिवाइड बाय 50, तो ये आता है मेरा 9000। तो एक्चुअल सेल्स मेरे हो गए 9000 यूनिट, ओके। स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स इज दिस। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट हमें पता है 50 है, एक्चुअल यूनिट हमने 9000 सेल किए थे, तभी 9000 इंटू 50 45, 4 लाख 50 आया होगा, तो हाँ एक्चुअल यूनिट्स हमें पता लग गए। प्राइस वेरिएंस जो हमारा है, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग एक्चुअल सेलिंग प्राइस प्राइस इनटू एक्चुअल यूनिट सोल्ड इनटू एक्चुअल यूनिट्स। तो एक्चुअल यूनिट्स हमारे कितने हैं, 9000। 9000। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारे को पता है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमारा है 100 माइनस एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू, इनटू 9000 इज इक्वल टू 10000। बट ये पॉइंट्स में होगा, सेलिंग प्राइस देखते हैं। चलो, सो दिस इज एक्चुअल प्राइस विल बी 10000 डिवाइड बाय 9000 माइनस 100। सो 10000 डिवाइड बाय 9000 माइनस 100, तो इट इज एक्चुअल प्राइस मेरा आ रहा है 98.8। अच्छा, एडवर्स है ना, सॉरी, ये प्लस होगा, प्लस होगा, एडवर्स मतलब नेगेटिव आंसर है हमारा। सॉरी, फेवरेबल है ना, फेवरेबल कब होता है, जब हमारा नेगेटिव होता है। हाँ तो इट इज 10000 डिवाइड बाय 9000 प्लस 100, इट इज 101.11। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस पता है, यूनिट सोल्ड 10 इज इक्वल टू 9000, सो मेरा आंसर आ रहा है 9099999.9, सो आई कैन से 9,10,000, ये होगा मेरा एक्चुअल सेल्स। इस फॉर्मूले से मेरा क्या आ गया, इस फॉर्मूले से मेरा एक्चुअल प्राइस आ गया, विच इज 101.1111। कैसे, क्योंकि मुझे पता था कि ये फेवरेबल है, तो सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कम है, एक्चुअल प्राइस ज्यादा है, स्टैंडर्ड 100 है तो एक्चुअल उससे ज्यादा ही होगा, तो ये जो फिगर आई है इट इज मोर देन 100, पहले 98 आ रही थी तो लॉजिक लगा के मैंने देखा, तो इसीलिए 101.11 इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और एक्चुअल यूनिट सोल्ड मैंने यहां से निकाले, तो इट इज 9,10,000। आक्सा, ओके, सफा, हर्ष, ये क्लियर है तीनों को? यस सर, यस सर, आक्सा, यस सर। चलो, तो हमारा ये आना चाहिए वॉज 4,09,10,000। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे ना, कई बार हमें ऑप्शन 458 460 दिया हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, 458 460 तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे अपना आंसर लॉजिकली निकालूं, तो 9000 यूनिट मेरे थे जो मैंने एक्चुअल सेल किए थे, इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट 50, 9000 इनटू 50, या सॉरी 9000 इनटू 100। देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना, मेरे को कैलकुलेशन कम करके अगर अपने लॉजिक्स यूज करने हैं, मैंने देख लिया कि मैंने एक्चुअली 90,000 यूनिट सेल किए, ओ 9,000 यूनिट सेल किए, तो अरे अगर मैं देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड निकालता हूं कि स्टैंडर्ड सेल्स कितनी है मेरी, तो इट इज 9,000 इंटू 100, दैट मीन्स 9 लाख है मेरी स्टैंडर्ड सेल्स, 9 लाख होगी मेरी स्टैंडर्ड सेल्स, है ना? सर, हमने थोड़ा सा गलती कर दिया क्या? सर। हमें सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस पता है, एक्चुअल सेल्स हमने निकाल ली थी, तो 9 लाख वो आ गया उससे आंसर। एंड देन सेल्स प्राइस वेरिएंस हमें 10,000 फेवरेबल दिया हुआ है, तो हाँ, 10,000 उसमें ऐड हो जाता है, ऐसे ही आंसर आ जाता। हमने थोड़ा सा लंबा मेथड यूज कर लिया। कैसे, क्या कह रहे हो? हमें स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दिया है ना 100, एंड एक्चुअल सेल्स हमने कैलकुलेट कर ली थी, तो उससे 9 लाख आ रहा है, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो। हाँ,
एंड टोटल सेल्स प्राइस वेरियंस हमें 10,000 फेवरेबल दिया हुआ है, तो फेवरेबल है मतलब उससे ज्यादा हुआ था 10,000 से, हाँ सो 9 लाख प्लस 10,000 ऐसे आ गया आंसर। नहीं, ये जो तुम्हारा है जो फेवरेबल है दैट इज कौन सा, दैट इज ओ सॉरी प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम हाँ वेरिएंस भी तो है, अच्छा देखा तो टोटल जाएगा ना, ओके बजट और एक्चुअल में तुम्हें याद है एक्सपेंडिचर वेरिएंस और जो भी दोनों वेरिएंस होते हैं दोनों का टोटल देखा जाता है, ओके राइट तो ये चीज है। तो मैं किस तरह से समझा रहा हूँ लॉजिकली, वो ये है मेरा जो प्राइस वेरिएंस है दैट इज 10,000 फेवरेबल, मतलब चीज मेरी महंगी बिकी है, वॉल्यूम सस्ती है लेकिन प्राइस महंगा बिका है, यही है लॉजिक, है यस सर ना, कि वॉल्यूम कम है लेकिन प्राइस महंगा है, तो मेरा अगर स्टैंडर्ड ही मेरा 9 लाख आ रहा है तो इट मीन्स जो एक्चुअल होगा वो 9 लाख से ऊपर ही होगा, या चलो इतना में रहने दो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वी स्टिक टू द फॉर्मूला, फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं तो फॉर्मूले से ही हमारा आंसर आएगा, तो दिस शुड बी हमारा 9,10,000। प्रोडक्शन वॉज दिस देन बजट, प्रोडक्शन हमें चेक करनी है कि प्रोडक्शन कितने यूनिट्स कम ज्यादा हमारी हुई है, सो प्रोडक्शन हमारी कितनी होगी, बजट प्रॉफिट सेल्स वॉल्यूम वेरियंस मटेरियल प्राइस प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट वेरियंस, प्रोडक्शन वॉज दिस यूनिट्स लेस देन बजटेड, ओके। अब प्रोडक्शन अगर हमें निकालनी है, प्रोडक्शन वेरियंस, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, क्योंकि मटेरियल तो मटेरियल से होगा, लेबर लेबर से होगा, बचा फिक्स्ड, तो अगर मैं देखूं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मेरी जो आ रही है दैट इज 1,000, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरी आ रहा है 2,000, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस का हमारा जो फॉर्मूला होता था दैट इज जस्ट वन सेकेंड आई चेक द फॉर्मूला, तो मुझे बताना क्या फॉर्मूला था, अब तो तुम्हें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, सर कौन सा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम दोनों का फॉर्मूला बताओ। एक्सपेंडिचर तो सर टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओआर पर यूनिट माइनस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस होना चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओएआर माइनस फिक्स्ड सॉरी एक्चुअल एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस है ना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन अभी हमने निकाली है 9,000, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारे को यहाँ से मिल जाएगा, नहीं एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हमने निकाली ना, और वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला सर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल नहीं, व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट स्टैंडर्ड, व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्मूला शीट में से देखो क्लियरली बताओ, सर इसमें बजट प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू बजटेड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड ओआर पर स्टैंडर्ड यूनिट, ओवर एब्जॉर्प्शन, परफेक्ट। अब देखो अब यहाँ पे अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरे को एक्चुअल प्रोडक्शन, अच्छा एक्चुअल प्रोडक्शन में नहीं पता, बजटेड प्रोडक्शन में नहीं पता, दिस अच्छा देखो उसी तरीके से, तो 1,000 हमने यहाँ पे, ये फॉर्मूला भी मेरे को रब करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ऊपर देखना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है फिक्स ओवरहेड का रेट क्या है 10 पर यूनिट, है ना, तो मैंने जो भी फॉर्मूला यूज किया था बजटेड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये मुझे कितना दिया हुआ है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस 1,000 एडवर्स सर वन, हाँ बोलो सर दिस क्वेश्चन आई थिंक नो नीड फॉर दिस बिकॉज फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज 1,000 एंड आवर फिक्स ओवरहेड इज ओ आर टेन इज टेन 5, यस 10,
सो देयर इज अ डिफ सो दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 100 यूनिट्स बिटवीन बजटेड प्रोडक्शन यस और एक्चुअल प्रोडक्शन, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे बजटेड ज्यादा होगा कि एक्चुअल. तो वॉल्यूम वेरियंस, वॉल्यूम वेरियंस मतलब कि हमारा अगर ये एडवर्स आ रहा है कीमत वॉल्यूम वेरियंस, कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो हमारी ज्यादा हुई है वो बजटेड से कम हुई है. यस तो 100 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, सो दैट मींस प्रोडक्शन वाज 100 यूनिट्स लेस देन द बजटेड. ठीक है ना, कि एक्चुअल यस प्रोडक्शन जो है वो 100 यूनिट्स कम हुई है. यस बिकॉज ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्शन नॉट सेल्स दिस इज एग्जैक्टली व्हाई exactly. एग्जैक्टली exactly. तो हमारे को पर हमें फॉर्मूला था बजट प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 1000. तो मेरा बजट प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन आ रहा है 100. इट मींस बजटेड प्रोडक्शन इज मोर देन 100 यूनिट्स फ्रॉम एक्चुअल प्रोडक्शन. यस सर नेक्स्ट, मटेरियल्स कॉस्ट बिगेस्ट कॉस्ट वेरियंस वेयर डिसीजन टू पे मटेरियल कॉज द बिगेस्ट कॉस्ट वेरियंस. मटेरियल कॉज द बिगेस्ट कॉस्ट वेरियंस ओके वेयर डिसीजन टू पे दिस स्टैंडर्ड प्राइस रिजल्ट इन कंपनी यूजिंग दिस बजट. अच्छा, मटेरियल कॉज वेयर डिसीजन टू पे लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस, पे लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस मतलब हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया था उसकी बात हो रही है. तो प्राइस वेरिएंस हमारा है फेवरेबल. प्राइस वेरिएंस फेवरेबल का मतलब क्या है, हमने जो मटेरियल परचेज किया था वो सस्ता परचेज किया था. सस्ता परचेज किया था मतलब वेयर डिसीजन टू पे लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस, कि हमने जो स्टैंडर्ड प्राइस था उससे कम पे हमने पे किया था, तभी हमारा जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल आ रहा है. लेकिन यूजेज कम हमारी एडवर्स हो गई, दैट मीन स्टॉक हमारा ज्यादा वेस्ट होना शुरू हो गया. सो रिजल्टिंग इन कंपनी यूजिंग डैश केजी मोर देन फिक्स्ड फ्लेक्स्ड मोर देन ओरिजिनल. तो इट्स इट्स कैन नॉट बी मोर देन ओरिजिनल, हम तो फ्लेक्स से ही देखते हैं. हमारा फॉर्मूला वही होता है ना, स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, दैट मींस फ्लेक्स्ड हम देखते हैं. अभी 600 और 800 में डिफरेंस आ रहा है, तो वो भी मेरे को देखना पड़ेगा प्राइस वेरिएंस से. तो इट इज 8000. अगर हम ऊपर जाएं, मटेरियल कितने का है, डायरेक्ट मटेरियल 3 पर केजी. ठीक है ना, तो एक यूनिट में अगर मैं बात करूं 3 केजी लगता है, तो 10 पर केजी हमारा है मटेरियल. सो 10 पर केजी हमारा मटेरियल है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा 10,000. तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा वो अप्रोक्सीमेट हमारा, ओ सॉरी, यूजेज वेरिएंस इज 8,000, तो 800 का डिफरेंस आएगा. तो 800 का डिफरेंस मतलब हमने स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस वेरिएंस है फेवरेबल मतलब हमने चीज सस्ती खरीदी जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्ट यूज किए, तो कंपनी यूजिंग मोर देन आएगा, मोर देन फ्लेक्स. सो 800 मोर देन फ्लेक्स, दिस शुड बी द आंसर. साफा समझ आया, अगर यस सर सबमिट करके देखें. अरे सारे सही है, किस्मत से मुझे डाउट लग रहा था मुझे. दिस इज द तो हैप्पीएस्ट मोमेंट दैट यू थिंक दैट यू गॉट या एग्जैक्टली क्या, दिस इज सर दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अ स्टूडेंट दैट दे गॉट एवरी सिंगल फॉर अ क्वेश्चन टीचर एज वेल. कम्स एक्चुअली मेरे को भी होता है कि मैं तो कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ सही निकले, पता लगा मैंने ही सारा गलत कर दिया, फिर तुम बोलोगे सर सर का खुद को तो आता नहीं. No, exactly, sir. This kind of question, the same question has come in the study hub because before this question, I have done my study hub. And then when I came here, I arrived there, the same question and the same answer, not the same answer, but the way is very same. This is why this question is not big tricky for me. ओके चलो दैट्स गुड. सफा और डाउट्स, हाँ सर ऑफ कोर्स 26.8 26.8. इसमें क्या डाउट है, ये भी वही कि पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया. नहीं 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 सर पूरा क्वेश्चन आ गया था अच्छा मैं हाँ टास्क फर्स्ट का फिफ्थ वाला मेरा आंसर पता नहीं गलत आ रहा था बट या तो मैंने टास्क फर्स्ट का फिफ्थ वाला, तो टास्क फर्स्ट की फिफ्थ रेशियो है क्विक रेशियो. सो क्विक रेशियो होती है हमारी टोटल एसेट्स में, हमारे को दिया हुआ है करंट एसेट में आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश.
सो ट्रेड रिसीवेबल कैश अपॉन करंट लाइबिलिटी, सो करंट लाइबिलिटी हमारे को दिया हुआ है, ट्रेड पेबल, ये दोनों हो जाएंगी। सो 3200 000 प्लस 15, सॉरी 15956463 इज इक्वल टू 1915643 डिवाइडेड बाय 1125200000 प्लस 950 इज इक्वल टू 2470000। ओ आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार कर लेते हैं, दिस 1915643 या डिवाइड जस्ट बाय कैलकुलेशन मिस्टेक, आई डिड 277 इंस्टेड ऑफ 247. 0.7 इज द आंसर, ओके सो इट्स करेक्ट, मेरा 0.69 आया था. 0.7755 समथिंग। हाँ आगे। इट्स करेक्ट. Sir, the only mistake that I've made in this question, that हाँ was for me. I have subtracted this inventory from the, because this is a quick ratio. I have subtracted from the current asset inventory. I have, ओके this is सी, why. जो हमारा ये हो क्विक गया ना, एसेट्स होते हैं, क्विक एसेट्स आर टोटल करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। सो बेसिकली अगर हमारे को करंट एसेट्स इतने गिवन है, दिस इज इन्वेंट्री, सो वी विल नॉट इंक्लूड इन्वेंट्री, दीज थ्री आर क्विक एसेट्स। सो व्हाट यू हैव डन इज तुमने ये लिख के इसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, जबकि द एक्चुअल फॉर्मूला इज टोटल करंट एसेट, उसमें से वी रिड्यूस इन्वेंट्री, क्योंकि हमें ये तीन चाहिए। ओके. फ्रॉम टोटल वी कैन सब्ट्रैक्ट, बट फ्रॉम इंडिविजुअल वी कांट सब्ट्रैक्ट. हाँ तो यहां से व्हाट यू शुड हैव डन, इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश, इन तीनों का फर्स्ट टोटल किया, देन इसको माइनस किया, रादर देन इसको कंसिडर ही नहीं किया, सीधा इन दोनों को लिख दिया। ओके यस. और डाउट्स? सर और फिर मॉक एग्जाम में, ओके, इसका कौन सा मॉक? मॉक वन ही दिया मैंने अभी. अच्छा तुमने मॉक वन ही दिया, ठीक है। मॉक वन में कौन सा डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 25. गया, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25। बड़ा तेज है। ओके ठीक है, सो 25 में क्या डाउट है? तो मुझे नहीं समझ में आया कैसे करना ओके सो 25 में क्या लिखा हुआ है, निकालना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द 2 मंथ्स इज कंसिस्टेंट विद द अबव डेटा। कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल सिंगल प्रोडक्ट इन 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स फॉर द फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेल्स। पहले मंथ सेल हुई है इतनी, अगले मंथ सेल हुई है इतनी, प्रोडक्शन पहले मंथ है इतनी, अगले मंथ है इतनी। सो इतनी प्रोडक्शन है, इतनी सेल है, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 1000, हाँ. इस महीने हमारा 100 का आ गया ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन हुई है इतनी, सेल ज्यादा हुई, ऐसे कैसे हो सकते? Because अच्छा they मैंने have क्लोजिंग opening स्टॉक inventory. निकाला, अच्छा सॉरी ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, मंथ वन हमारे पास 400 का ओपनिंग स्टॉक था, तो 400 प्लस 3900, तो 500 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो प्रोडक्शन प्लस दिस 47 माइनस 44, 300 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ Closing गया। stock. सो प्रॉफिट और लॉसेस हैव बीन कैलकुलेटेड ईच मंथ बाय बोथ यूजिंग एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द 2 मंथ आर कंसिस्टेंट। देखो हमारा एक चीज हमने पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग माइनस चेंज इन इन्वेंट्री, याद है? तो चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यही पढ़ा था हमने, इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इससे हमें क्या समझ आया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक, उस केस में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होगा इट विल बी विल मोर बी देन हाई. मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होगा इट विल बी लेस। लेस. चलो ये क्लियर है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट फर्स्ट मंथ का अगर हम देखें, इट इज मंथ वन का इतना, मंथ टू का इतना, ठीक है? तो पहले सिचुएशन में हमारा अगर हम देखें क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा,
ओके तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट इतना आ रहा है, मार्जिनल से इतना आ रहा है, सो दोनों ये सिचुएशन सही हो सकती है। यहां पे लॉस है, यहां प्रॉफिट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये 200 है, ये -400, ये भी हो सकता है, सेम तो ये नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स हमारे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। ओ सॉरी, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन तो हमारे कैंसिल ही हो गए, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट मंथ में ऐसा है। अब बात करते हैं सेकंड मंथ की। सेकंड मंथ में क्लोजिंग स्टॉक इज लेस, ओपनिंग स्टॉक इज हायर, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल हैव लेस प्रॉफिट देन मार्जिनल। तो एब्जॉर्प्शन में मंथ टू में ज्यादा है, मार्जिनल में कम है, तो ये गलत, तो सीधा हमारा आंसर आ गया सी। हाँ ओके ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन में मंथ टू में हमारा जो है एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग हमारा जितना भी आंसर है मार्जिनल के अकॉर्डिंग इससे ज्यादा आना चाहिए, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक। जबकि एब्जॉर्प्शन से आ रहा है 4400 और मार्जिनल से हमारा आ रहा है 3200, जबकि उल्टा होना चाहिए था, तो इसीलिए हमारा ये गलत हो गया। तो सीधा सीधा आंसर हमारा आ जाएगा ओके सी। और पूछो डाउट्स। सर 29th क्वेश्चन नंबर 29 29th, ओके 29th में इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स अ पीस वर्क, एक सेकेंड मैं ना ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, अंधा हो रहा हूँ मैं भी आजकल। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स अ पीस वर्क सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन बट ऑल्सो गारंटीज इज इम्प्लॉय 80%। ये आई थिंक हर्ष ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, है ना? हाँ सर, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन स्टडी हब में था, सेम टू सेम वो पूछा था ओके, मैंने। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स अ पीस वर्क सिस्टम ऑफ रेम्यूनरेशन बट ऑल्सो गारंटीज इज इम्प्लॉय 80% ऑफ टाइम बेस्ड रेट ऑफ पे विच इज बेस्ड ऑन $20 पर आवर फॉर 8 आवर्स। के बोला उनको कि तुम्हारे को जो रेम्यूनरेशन है इतनी गारंटी है कि मिनिमम तुम्हारे को इतनी मिलेंगी ही मिलेंगी, तो 20 पर आवर इंटू 8 आवर शिफ्ट उसका 80%। सो 20 इंटू 8 इंटू 80% इट इज 22.4। अरे गलत कर गया, 20 इंटू 8 इंटू 80% इट इज 128। ये $128 तो इसको मिनिमम मिलेंगे, अगर इसको ज्यादा मिले तो कोई बात नहीं, अगर कम लग रहे हो पीस के अकॉर्डिंग तो मिनिमम इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इफ एन एम्प्लॉय प्रोड्यूसेस 200 यूनिट्स इन 8 आवर्स इन अ पर्टिकुलर डे, तो उसने 200 यूनिट्स बनाए। और यहां पे लिखा हुआ है पीस वर्क रेट इज 800 पर स्टैंडर्ड आवर, तो उसने 200 यूनिट्स बनाए $18 पर स्टैंडर्ड आवर, तो 200 यूनिट्स को बनाने में कितने टाइम लगने चाहिए? तो एक यूनिट टेन को आवर्स बनाने, लगेगा। हाउ डू यू नो? सर 200 यूनिट्स इनटू 3 मिनट्स किया ना पर 3 मिनट्स, तो मैंने टू नहीं हंड्रेड यहां, इनटू टू 3 किया डिवाइड बाय 60। नहीं यहां यस तुमने सर, अच्छा 3 मिनट्स लिखा हुआ ना, स्टैंडर्ड हाँ टाइम अलाउड पर यूनिट, ठीक है, इसलिए मैंने तो टेन दैट लिखा। मीन्स 200 यूनिट्स इंटू 3 600 डिवाइड बाय 10, तो उसने 60 आवर्स का काम किया। नहीं डिवाइड बाय 60। ओ सॉरी, डिवाइड बाय 60, तो 10 आवर्स का उसने काम किया, हाँ सो 10 इंटू 18, सो उसको 180 मिल रहे हैं यहाँ पे, विच इज हायर देन 128, तो ही विल गेट 180। बट सर ही वर्क 8 आवर्स। हाँ सर डजेंट एट मैटर, वो डजेंट मैटर। सर हम क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पीस वर्क इज पेड एट रेट ऑफ 18 पर स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल जो उसने आवर्स काम किया वो नहीं देखने, पर स्टैंडर्ड आवर, कि इतने यूनिट्स को बनाने में स्टैंडर्ड 10 आवर्स लगते हैं और हम पेमेंट दे रहे हैं एज पर स्टैंडर्ड आवर, तो 10 इंटू 18 180। ओके माय आंसर वाज 176 सो सेम। ओके, ओके तुमने 8 से कर दिया होगा ना? हाँ सर, मैंने 8 इनटू 18 किया था बिकॉज, और हाँ 2 आर जो एक्स्ट्रा थे ना उसको मैंने ना कंसिडर किया था। अच्छा, नहीं क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं बोला हुआ ना बोनस वगैरह के बारे में। इन्होंने क्या बोला कि भाई जितने तूने यूनिट्स बनाए हैं, जितने तूने यूनिट्स बनाए हैं उनको बनाने में जितना टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग हम तेरे को पैसे देंगे, चाहे तूने एक्चुअली 1 घंटे में बनाया हो, डजेंट मैटर। ठीक है, और बताओ, पूछो। सॉरी, हाँ सर 1 सेकंड, 29 सर 37 का थर्टी टास्क सेवन टू का सेल्स प्राइस वेरिएंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एक सेकंड ये हटा दो पहले। 37, 37 का कौन सा?
37 का टास्क 2 का सेकंड पार्ट, सेल्स प्राइस वेरिएंस कैसे टास्क निकालें. 2 का सेकंड पार्ट, सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, यहां से देख लेते हैं। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल इनटू यूनिट्स एक्चुअल यूनिट सोल्ड। सोल्ड. ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 120, माइनस एक्चुअल सेल्स हमें दी हुई है इतनी। एंड देयर इज एक्चुअल सेल्स यूनिट 25,600. एक्चुअल सेल्स यूनिट हमें दिया हुआ है तो 3066880 डिवाइडेड बाय 2560, तो दिस इज 119.8 इनटू एक्चुअल यूनिट्स 256। सिंपल सा था। हाँ, मैंने एडवर्स एक्चुअल प्राइस, ओके, मैंने एक्चुअल प्राइस आई कैलकुलेट इन रॉन्ग वे. ओके. 5120, तो आंसर शुड बी 5120। ओके. हाँ यही आ रहा है? सर, मैंने, हाँ, एक्चुअल सेलिंग प्राइस आई वाज नॉट एबल टू कैलकुलेट, अदरवाइज इट वाज करेक्ट. नहीं, एक्चुअल सेल्स इतनी है टोटल और एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस आधे का परिमाण। ऑड आउट। सर, ऑल टू सब स्टडी अप में, बट सर यू कैन टेक अदर्स डाउट कि सर आई हैव टू वर्क बिट नाउ. ठीक है ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। रत्नेश यार पानी दे दे ग्लास, नॉर्मल दियो, ठंडा मत दियो, उसमें ना बीच वाले में ठंडा आएगा उसको बंद कर दे, और थोड़ा सा गर्म वाला डाल दिए, गर्म वाला और नॉर्मल वाला। ठीक है, हाँ अब मैं लूंगा आक्षा के डाउट्स। यस आक्षा, सर, एवरी डाउट्स वाज सॉल्व्ड बिकॉज सफा आस्क्ड इट. ओनली 26.9 मल्टीटास्क 20, क्वेश्चन. सो यू बोथ हैव सेम डाउट्स ये नो, नॉट मेजरली। देयर, द 25 क्वेश्चन. नो दिस 26 क्वेश्चन, नो मल्टीटास्क एमटीक्यूज. ओके एमटीक्यू 26। ट्वेंटी सिक्स पॉइंट, 9 ट्वेंटी सिक्स टास्क पॉइंट अच्छा टू ऊपर ही था। दिस ओके हाँ, इसमें क्या डाउट है? 26.9 टास्क टू. यस, दिस वन. 26.9 टास्क टू। ओके, सो 26.9 टास्क टू इज दिस, कैलकुलेट जंगल्स रिटर्न ऑन इक्विटी। सो पहली बात, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन एलआईटी. इक्विटी बताओ। यस, पीबीआईटी पर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉफिट. इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नॉट पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओए, वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो पीबीआईटी तब आता है पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो होता है हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी का मतलब जो कंपनी के ओनर्स हैं उन्होंने कितने पैसे कमाए, तो उसके लिए देखना पड़ेगा ओनर के पास पैसे बचे कितने। तो दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी इनटू 100। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जंगल सेल्स एंड द रिपोर्टेड नेट इनकम इतनी है ड्यूरिंग द ईयर बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इतना हमने प्रॉफिट कमाया, इसमें से इतना प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया 25 का, तो इक्विटी वालों के लिए कितना बचा? 125, जो हमने टोटल पैसे कमाए उसमें से हमने इतने पैसे प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिए, तो इक्विटी वालों के लिए कितने पैसे बचे नेट? 125 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर वैल्यू कितनी है? 1 लाख शेयर्स ऑफ 5 ईच, दैट मीन्स 5 लाख इंटू 100, तो 125 डिवाइड बाय 500%, इट शुड बी 25%। ओके, सो आई जो फॉर्मूला होता है थिंक इट इज प्रॉफिट, याद रखना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी। रीजन क्या है इसका, लॉजिक क्या है? हम देख रहे हैं कि जो इक्विटी ओनर्स हैं कंपनी के उन्होंने कितना पैसा कमाया, तो इक्विटी ओनर्स को पैसे कैसे मिलते हैं, तो जितने भी कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, इंटरेस्ट पे हो गया, सब कुछ पे हो गया, वो पे होने के बाद पहले प्रेफरेंस वालों को उनका डिविडेंड मिलता है फिक्स डिविडेंड, ये देने के बाद जो पैसे बचते हैं दिस इज व्हाट इक्विटी शेयर होल्डर गेट्स।
तो दिस डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू विच इज 5 लाख इंटू 100, दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी. इक्विटी शेयर होल्डर वालों के 5 लाख उन्होंने लगाए थे, उसके अगेंस्ट 25% है जो उन्होंने कमाया. अदर डाउट्स? नो सर. ठीक है. हर्ष योर डाउट्स? सर मैंने ग्रुप पे मैसेज एक भेजा था, तो मैं उसको एक बार रिप्लाई बैक कर देता हूँ. तुमने ग्रुप में भेजा था, लेट मी ओपन द ग्रुप. कहाँ भेजा था? अच्छा, रिप्लाई बैक कर दिया बॉटम बॉटम में मिल गया. आजकल उसमें थोड़ा से सर दिमाग ट्वेंटी में. 25.2 तो बता दिया है अभी आपने, एंड मॉक एग्जाम का 25 वाला भी बता दिया है. सो ठीक सेकेंड है, से ट्वेंटी स्टार्ट 25.3 फाइव से. पॉइंट थ्री का पार्ट सेकेंड एंड फोर्थ. 25.3 का पार्ट सेकेंड एंड फोर्थ. ट्वेंटी 5.3 का पार्ट सेकंड एंड फोर्थ. इसमें पार्ट टास्क सेकंड एंड टास्क. अच्छा, 25 का पॉइंट थ्री का पार्ट टू एंड फोर मतलब. हाँ, टास्क वन का ही 2 एंड 4. अच्छा, दिस एंड दिस, या या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन एक्चुअल सेल्स या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, क्या चीज बताऊं? दोनों ही 2 एंड 4, दोनों पर दोनों ही जमा. अच्छा ये बताऊं, हाँ, बाकी आई कैलकुलेटेड. ठीक है. सो यहाँ पे मैं क्या निकालना है, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स. तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन तो हमें गिवन ही है, 17. हाँ, ठीक है ना. एक्चुअल सेल्स भी हमें गिवन है, तो सिंपल है. इसमें क्या है, सो इट इज 215,000 इंटू 50. इट इज 107,500. अच्छा सर, तब स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स क्या, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, मैं कैसे निकालना. स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन हमें दिया ही हुआ है मार्जिनल से, एक्चुअल सेल्स भी हमें यूनिट पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है अच्छा, ना. और नेक्स्ट इज हमारा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन. सो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्चुअल सेल्स इंटू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन. हम एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इट इज स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है यहाँ पे इतना. हम निकालते थे अपना वॉल्यूम वेरिएंस. वॉल्यूम वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, है ना. अच्छा वो तो सिंपल निकल जाएगा. तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन. सो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल सेल्स पता है, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर. देखो एक्चुअल सेल्स पता है, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर, एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स. तो अगर मैं सारी फिगर्स इसमें से माइनस कर दूं, तो 212,218,500 माइनस 565,000 माइनस 210,000 माइनस 325, तो ये मेरा आता है 102,850. एक्चुअल सेल्स हमारा, सेल्स रुको, 212,850 माइनस डायरेक्ट मटेरियल परचेज एंड यूज 565,000 माइनस डायरेक्ट लेबर 210 माइनस 325,000. सो 102,850. लेकिन ये हमारा जो दिया हुआ है एक्चुअल सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी होगा ना, चक्कर तो ये है. Because sir, budgeted sales, there is a difference between budgeted and actual sales. हम पर यूनिट निकाल लेते हैं ना, चलो एक काम करते हैं, लेट्स कैलकुलेट पर यूनिट. एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी है, 215,000 यूनिट्स, और टोटल सेल्स हमें दी है, सो 212,850 डिवाइड बाय 215,000, सॉरी, सो 99 आ गया मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ठीक है हर्ष. आक्सा सफा क्लियर है, यस सर. हमने टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, 22,000. यस, टू तो थाउजेंड डायरेक्ट वन. मटेरियल 265,000, सो 565,000 प्लस 210,000
प्लस 325000, इन तीनों को मैं डिवाइड करता हूँ जितने मैंने यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस किए, इट इज 22000. सो अच्छा 50 आ गया मेरा टोटल वेरिएबल, सो 49 आ गया मेरा एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू एक्चुअल यूनिट्स मैंने कितने सेल किए, 21500. सो 49 इंटू 21500 इट शुड बी 105350. यही आंसर है, तो या चेक करता हूँ. करना हाँ यही पड़ेगा। है, रुको, वन क्या आंसर आता, 105, 103500, सबमिट. गलत है, नहीं सही है, सही है. ठीक है ना, तो मैंने क्या किया हर्ष यहाँ पे, मैंने सिंपली यहां से ये इतने यूनिट्स मैंने सेल किए थे, एक्चुअल सेल जितने हैं तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया, क्योंकि एक्चुअली क्या था, जो ये मटेरियल है ना ये सारा हमारा प्रोडक्शन के ऊपर होता है, सेल्स के ऊपर नहीं होता. सो वी कैन नॉट डिवाइड इट बाय दिस. हमने राइट इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो इन तीनों को मैंने प्रोडक्शन से डिवाइड कर दिया एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस से. तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से ये पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, इतने यूनिट्स एक्चुअली सेल किए. यस सर, चलो समझ गया। नेक्स्ट डाउट तुम्हारा है 13.131930. थर्टीन पॉइंट वन थ्री. ओके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं निकालना है यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 एनुअल पेमेंट ऑफ 700, फर्स्ट बीइंग पेड इमीडिएटली डिस्काउंटेड 8% गिविंग आंसर. देखो अगर मैं इसको ईयर में बताऊं, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे में करूं, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मैंने जो 700 पेमेंट किए फर्स्ट बीइंग पेड इमीडिएटली, कि मैंने 700 यहां पे किए, बाकी 700 मैंने टिल 9 तक पे किए होंगे, 10 पेमेंट मैंने करी है, एक आज करी है यानी आज के दिन जीरो वाले दिन, तो बाकी 9 मैंने तब करी होगी. अच्छा राइट सर, आई थिंक इसमें तो वैसे ही तुमने यहाँ पे 700 यहाँ ले लिया हुआ ऐसे. हाँ, वही स्टडी हब का भी क्वेश्चन मिला था ना, उसमें भी सेम हाँ कंफ्यूज। हाँ इमीडिएटली मतलब 700 यहाँ पे है, तो ये तो इनटू वन रहेगा, इस 700 में तुम 9 ईयर्स की एनुटी निकालोगे, सो 8% की 9 ईयर्स की एनुटी निकाल के तुम्हारा आंसर आएगा 700 × 1 + 700 × एनुटी फैक्टर ऑफ 8% एट 9 ईयर्स. सर ऐसे थोड़ी आता है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल में 8% का जो होगा उसमें मैं 9th वाली वैल्यू देखूंगा, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसी से आ जाता है ना। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू टेबल में 9th वाली फिगर देखोगे वो तो ये आएगी, तो 700 × 9 ये थोड़ी करना आएगा हाँ उसका आएगा, राइट राइट राइट, हमें है, एनुअल सबका। पेमेंट है ना, तो तुम्हें इन सबका एनुटी निकालना है, टोटल करना है, ओके राइट, ठीक है ना, तो तुम्हें एनुटी निकालनी पड़ेगी. आई थिंक एक एनुइटी टेबल भी है बुक के पीछे, उससे आ जाता है एनुटी है, ठीक हाँ, तो फिर उससे आएगा डायरेक्टली। है, हाँ हाँ समझ गया, एंड देन वो जो भी आंसर है उसमें 700 ऐड करना है सर। उसमें 700 ऐड कर देना क्योंकि तुमने आज भी एक पेमेंट करी है. करेक्ट, ठीक समझ देन है गया। तुम्हारा 13.19. इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या निकालना है, IRR निकालना है, 10% पे इतना, 15 पे इतना, 20 पे इतना, इन्वेस्टमेंट है 60 की, तो इसमें IRR निकालना है, तो तुम्हारे को IRR हमारा देखो दो चीजें हैं हर्ष, अब दो चीजें क्या है, IRR हमारा होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जहां पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू जीरो होता है ना. यस सर। अब इसका आंसर अगर हम निकालें लॉजिकली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, तो पहले केस में मेरा इनफ्लो इतना है, आउटफ्लो है 60,000, तो एनपीवी मेरा कितना आ गया, 4,4600. हमें एनपीवी निकालना है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो दिया हुआ, हाँ ये हमें आउटफ्लो दिया हुआ है आज का, तो एनपीवी आ गया हमारा, तो करेक्ट, यहां पे आ गया 58,200 - 60,000, तो यहां पे 1800 नेगेटिव आ रहा है, अच्छा यहाँ नेगेटिव आ गया, मतलब कहीं ना कहीं और टेन और यहां फिफ्टीन पे कहीं ना कहीं 10 और 15 के बीच में लाई कर रहा है वो, ओके तो बिटवीन 10 टू 15.
कैलकुलेट नहीं करना, ऐसे ही निकाल सकते लॉजिकली। ठीक है, हाँ, समझ गया, इजी था ये तो बहुत। कोई बात नहीं। 13.30, सो 13.30 में क्या करना है? द फॉलोइंग क्वेश्चन केम इन सितंबर एंड अगस्त। अच्छा, फिर तो अच्छा क्वेश्चन होगा डेफिनेटली। व्हाट इज द एनपीवी ऑफ द इन्वेस्टमेंट? एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 17,000 इज मेड इमीडिएटली। इन्वेस्टमेंट विल प्रोड्यूस नेट इनकम ऑफ 5,000 इन परपैचुटी स्टार्टिंग इन फर्स्ट ईयर्स टाइम। डिस्काउंट रेट इज 5%। तो परपैचुटी हमारा क्या फॉर्मूला होता है? 5,000 डिवाइड बाय 0.05, हाँ, 1 लाख। तो दिस इज 1 लाख। तो 1 लाख आ गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट। और आउट इन्वेस्टमेंट है 78,000 की, तो एनपीवी 22,000। यस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुटी क्या होता है? जो भी हमारा अमाउंट है डिवाइड बाय रेट, जो भी हमारे को रेट दिया हुआ है, तो इससे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुटी। हाँ इन्वेस्टमेंट हमने इतनी करी है, तो 22,000 करेक्ट। हमारा एनपीवी आ जाएगा। ओके सर, एक बार चेक कर लूँ, मुझे इसका भी आंसर याद नहीं है, सही है मैं गलत चेक है। कर लेता हूँ, अभी अच्छा, चेक कर लेता हूँ। इट्स करेक्ट, 22,000। ओके अंडरस्टूड तो सर। पहले पहले ही सबमिट कर देता, आंसर दिख जाता, लिखने की जरूरत नहीं। चलो एनीवेज, और डाउट्स तुम्हारे क्या हैं? और डाउट्स तुम्हारे हैं 13.30 हो गया, मॉक का 25 हो गया, 38 का टास्क वन का क्वेश्चन फोर है ना। हाँ सर, आपको हमारी क्लासेज में एक बार में कितने डिवाइस लगते हैं? मेरे को दो डिवाइस, एक जिससे मैं जूम कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि इस डिवाइस में भी जूम चल रहा होता है, बट द पॉइंट इज, तुम देखो मैंने दो से ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि इस डिवाइस में अगर कोई स्टूडेंट आता है जाता है तो मैं उसको ऐड नहीं कर सकता इस डिवाइस में जिसमें तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, बिकॉज वो मेरा यहाँ जूम बैक एंड पे चल रहा है, अच्छा तो आई कैन नॉट ऐड अ स्टूडेंट हियर। सो इसीलिए मैं दूसरे लैपटॉप से भी ज्वाइन करता हूँ, सो दैट कोई स्टूडेंट अगर आ रहा है या जा रहा है, आई कैन ऐड और हिम फ्रॉम हिम और हर फ्रॉम दैट नंबर। ओके, मॉक एग्जाम वन का तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था हर्ष? 38 टास्क वन क्वेश्चन फोर। 38 टास्क वन क्वेश्चन नंबर फोर चाहिए ना मॉक एग्जाम। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ही है, तो 38 टास्क वन क्वेश्चन नंबर फोर। तो टास्क वन का क्वेश्चन नंबर फोर तुम्हारा है एवरेज वेट फॉर टेलीफोन रिपेयर, है ना। अच्छा, सर ये ये क्या? तुम्हारा नॉन परफॉर्मेंस इंडिकेटर का होगा ना, ये हाँ आई थिंक सो, एवरेज एक्चुअली वेट मिक्सड है फॉर टेलीफोन रिपेयर। चलो देखते हैं, टेलीफोन रिपेयर में नंबर सर। ऑफ शायद बिल क्वेरीज, नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट हमारी कितनी है? इतनी हमने कितनी इंक्वायरीज रिजॉल्व करी हैं? सर एवरेज उसके नंबर अलग ऑफ टेलीफोन से दिया हुआ अनरिपेयर्ड, क्या चीज? है। हाँ, रिपेयर का अलग से दिया हुआ है कि एवरेज रिपेयर के लिए कितने टेलीफोन्स आते हैं एंड कितने अनरिपेयर रह जाते हैं, सिर्फ इतना डेटा दिया हुआ है फॉर हाँ, सो रिपेयर नंबर टेल। ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट इतनी, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? वेट फॉर टेलीफोन रिपेयर के नंबर ऑफ जो कस्टमर कंप्लेंट हमें आती है इतनी, कस्टमर लॉस्ट हमारे हो गए इतने, नहीं कस्टमर लॉस का कंप्लेंट से रिलेशन है, एवरेज नंबर ऑफ अनरिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच डे हमारे है 804, है ना। हाँ, एंड एवरी डे टेलीफोन जो आते हैं रिपेयर होने के लिए वो भी दिया हुआ है। कहाँ पे है वो? 10,000 अच्छा, एवरेज वो तो नंबर ऑफ एवरेज टेलीफोन। नंबर ऑफ नहीं, हाँ टेलीफोन रिटर्न्ड फॉर रिपेयर ईच डे। अच्छा, रिपेयर का निकालना है ना, आई एम गोइंग टू कंप्लेंट्स। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। रिटर्न रिपेयर फॉर ईच डे हमारा आता है 10,000, और अनरिपेयर्ड हमारे रह जाते हैं 804 ईच डे। ओके, 804 हमारे रह जाते हैं, दैट मींस वो नेक्स्ट डे आते होंगे। तो एवरेज वेट फॉर टेलीफोन रिपेयर, एवरेज वेट फॉर टेलीफोन रिपेयर हमारे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आती है इतनी। तो इसमें मैंने पता है क्या लॉजिक लगाया था कि अगर आंसर 1 आना चाहिए कि एक दिन में मिल जाता रिपेयर होने के लिए, तो उसके लिए नंबर ऑफ टेलीफोन
टेलीफोन्स जो हमें आए उतने उतने वापस चले जाने चाहिए, जीरो बचने चाहिए, राइट? हाँ हाँ, तो फिर मैंने 804 को 10,000 से माइनस कर दिया कि इतने वापस से जा रहे हैं. सो दैट नंबर इतने टेन हमारे थाउजेंड रिपेयर हो रहे हैं। हाँ, तो 10,000 माइनस 804 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू मैंने 365 किया था बिकॉज डेज निकालना है. तो तो उसका 10,000 आई माइनस थिंक एट जीरो कुछ फोर डिवाइड बाय 10,000 इनटू, इसमें लिखा हुआ है एवरेज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज 30, एवरेज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज 30, एवरेज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज 30, इसके लेके चले कि नहीं, क्योंकि इसमें ईयर का नवंबर, क्योंकि यहाँ पे ये है ना लीप ईयर, और 365 लेके चलते, 365, 10,000 माइनस 804 डिवाइड बाय 10,000, नहीं 804 डिवाइड बाय 804 डिवाइड बाय 10,000 इनटू 365 ये करें, 804 डिवाइड बाय 10,000 इनटू 29, ट्वेंटी हाँ तो ये आ रहा है ना आंसर हमारा, 29 आंसर आएगा इसका, कैसे सर? क्यों? एज तो वो है जो रह गए ना. हाँ तो एवरेज वेट वही होता ना कि जो हमारे रह गए, तो इन्होंने वेट करा होगा, तो अच्छा 804 ने डिवाइड बाय टोटल आए थे इतनी, इतने हमारे पास आए थे, इन्होंने वेट करा, तो ये है एक दिन का हिसाब, राइट. टू इंटू 365। अच्छा, मतलब मैंने वो निकाल लिया एवरेज कितने जल्दी मिल जाता है, मैंने वो निकाल लिया है ना. पॉइंट उससे तो आंसर हमारा वो तो काफी ज्यादा आ रहा है, नाइन वन आया था मेरा आंसर उससे. हाँ तो 0.91 इंटू 365, मैंने भी वही करा था, वो तो थ्री, तो इसमें कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एक साल बंदे को वेट करना पड़ता है, हाँ राइट, इसलिए तो इट शुड बी 29। ओके. और डाउट? बस आई थिंक जितने मैंने भेजे उसमें वही था, बाकी स्टडी हब के मैंने आपको पर्सनल पे भेजे थे तो आई थिंक आपने मोस्ट ऑफ तो बता ही दिए थे तुरंत. हाँ वो मैंने बाद में भी कुछ करे थे ना, हाँ ठीक सर, है अब मुझे मुझे बताओ या सफा स्टडी हब के लिए मेरे पास है डाउट्स, कितने क्वेश्चन है, नॉट सो मेनी, वन बट वैसे रफ आइडिया, ठीक टू थ्री फोर, सो 5 क्वेश्चन ये खाली। है चलो पूछो, मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे शेयर करो एक बार, ये सब मैंने सेंड किया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स डिस्क्राइब लेबर एफिशिएंसी रेशियो, लेबर एफिशिएंसी रेशियो, लेबर एफिशिएंसी रेशियो या वेरिएंस, एफिशिएंसी रेशियो क्या होती है कि कितने आवर्स लेबर काम कर सकती है वर्सेस कितने एक्चुअल आवर्स उन्होंने काम किया, है ना, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क वर ग्रेटर और लेस देन बजटेड, नहीं हमारा लेबर एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि स्टैंडर्ड लेबर फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, तो ये तो नहीं होगा हमारा, हाँ मेजर्स हाउ एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट फॉर अ कंपेयर्स विद बजटेड, नहीं एक्चुअल स्टैंडर्ड विद बजटेड भी नहीं होता, स्टैंडर्ड विद एक्चुअल होता है, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ अवेलेबल आवर्स दैट वर लॉस्ट थ्रू नो फॉल्ट ऑफ वर्कफोर्स, इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, मेजर्स द प्रोडक्शन आउटपुट टुक मोर और लेस देन एक्सपेक्टेड, कि प्रोडक्शन आउटपुट टुक मोर और लेस देन एक्सपेक्टेड, कि एक्चुअल का एक्सपेक्टेड से कितना डिफरेंस है, तो बजटेड और एक्सपेक्टेड में डिफरेंस क्या होता है, बजटेड मीन्स कि हमने जो बजट में सोचा था, एक्सपेक्टेड मतलब जो एक्चुअल यूनिट्स बने हैं उनके अकॉर्डिंग हम कितने लेबर्स आवर एक्सपेक्ट करते हैं, सो एक्सपेक्टेड मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड, तो डी इज द आंसर, इन्होंने भी डी दिया हो,
ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सही था तुम्हारा। पता नहीं, पर सिर्फ एक बार समझा दूंगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड यूजिंग एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। कि मशीन आवर्स के बेस में अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो अंडर एब्जॉर्प्शन किस केस में आ सकती है? सो अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि मैंने बजटेड खर्चे कम लिखे और एक्चुअल ज्यादा हुए। सो बजटेड मशीन आवर्स वर मोर देन एक्चुअल, बजटेड एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर वर सेम। कि बजटेड मशीन आवर एक्चुअल से ज्यादा थे लेकिन खर्चा दोनों का सेम था, दैट मींस बजटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा एक्चुअल कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है? नहीं रुको, बजटेड मशीन आवर्स वर मोर देन एक्चुअल, बजटेड एंड एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंड, कि बजटेड खर्चा और एक्चुअल खर्चा मेरा सेम था, बजटेड खर्चा और एक्चुअल खर्चा मेरा सेम था, बजटेड मशीन आवर्स मेरे एक्चुअल मशीन से ज्यादा थे, तो यहां से मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेरा आ जाएगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। ये मैं तुम्हें बताऊंगा, ये ना मैंने सोचा हुआ है, इसका मैं ना कुछ क्रक्स ढूंढ हाँ रहा हूँ सर, एक्चुअली इसका भी, काफी इस पे मैं वक्त लगा हुआ हूँ ढूंढने, इंटरेस्टिंग मैं इस पे लगा हुआ हूँ कि ये क्वेश्चन काफी कॉमन है कि बजटेड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर सेम हो तो क्या होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा ये सबको, ठीक है? है। ओके चलो नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसका कौन सा क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला सर। या नहीं, इसके फिफ्थ? ऊपर वाला, ये मैंने क्वेश्चन नंबर रखा। नहीं ये कौन सा, इसका मैं आंसर बताऊं? ओके, सो प्रोडक्ट हैज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दिस, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट हमें दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इतना है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब ऑल वेरिएबल कॉस्ट। द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 10 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड जो है हमारे। एक्चुअल प्रोडक्शन वर 10,000 मंथ्स इन लाइन विद द बजट, बजट भी इतने थे, एक्चुअल भी इतने थे, सेल्स वर 9,500, सेलिंग प्राइस वर 100 पर यूनिट। हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी है 56, सेलिंग प्राइस इज 100, तो 100 -50 100 माइनस 56, ये हमारा आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। सो 44 इज कॉन्ट्रीब्यूशन, हमारे को दिया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन में हम माइनस क्या करते हैं अपना एक्चुअल, वो क्या कहते हैं, फिक्स एक्सपेंस। हाँ तो एक्चुअल प्रोडक्शन वर 10,000 इन लाइन विद द बजट, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 10 पर यूनिट। ओके एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ वॉज 10,000, ठीक है, जो हमने सोची थी उतनी एक्चुअल हुई, हमें एक्चुअल एक्सपेंस यहां पे नहीं दिया हुआ, तो इट शुड बी 10,000 इंटू 10, 1 लाख। सो कॉन्ट्रीब्यूशन 44 इंटू 9,500, सो 44 इंटू 9,500, सो 4 लाख फोर एटीन वन एट माइनस हमारा फिक्स कॉस्ट 1 लाख, सो 318, दिस शुड बी द आंसर। ओके इसका आंसर क्या है? आई एम नॉट श्योर सर, मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आंसर आई लिखा थिंक नहीं यही है। आंसर होगा, क्योंकि यहां से हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, तो ये मेरा आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट मुझे एक्चुअल नहीं दिए हुए, एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी है और हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है, तो हमें एक्चुअल एक्सपेंस तो दिया ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने वही सोचा कि मैं फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी इसमें। मे बी, मैं बोला भी है ना, लाइन विद बजट, मतलब जैसा बजट बना नहीं था नहीं वही। इन लाइन विद बजट है, वो प्रोडक्शन है इतने यूनिट्स की, वो अच्छा प्रोडक्शन इन बजट है, इसमें एक्चुअल एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ कि एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सपेंस, एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर दिस यूनिट्स वाज दिस इन बजट, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक्चुअल फिक्स एक्सपेंडिचर वर सेम एज बजट, अच्छा ठीक है ना। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ हाँ सर, फिक्स सेम ओवरहेड, ही है ना क्वेश्चन। एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन एक्टिविटी एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज इज बोथ बिलो बजट, विच ऑफ दिस रिजल्ट इन अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल
वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी विच आर बोथ बिलो बजट, कि हमारा एक्चुअल खर्चा हमारा कम हुआ और बजट ज्यादा हुआ, बट अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि एक्चुअल ज्यादा हुआ हमने बजट कम किया, तो फर्स्ट गलत हो गया। एक्चुअल बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल वॉल्यूम एक्टिविटी विच आर बोथ बिलो बजट, कि एक्चुअल खर्चा ज्यादा है बजट कम है, तो ये तो बल्कि हमारा नहीं, देखो एब्जॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन जो हमने करा था वो ज्यादा करा था जबकि एक्चुअल खर्चा कम हुआ, तो ये तो अंडर हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया। एक्चुअल एक्सपेंडिचर बिलो बजट एंड एक्चुअल वॉल्यूम एक्टिविटी इज सेम एज बजट, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज बिलो बजट, हमारा एक्चुअल खर्चा जो था वो बजट से कम हुआ, वॉल्यूम बिल्कुल सेम है, तो अगर एक्चुअल खर्चा हमारा ज्यादा है बिलो बजट एंड वॉल्यूम सेम है एज बजट, तो ये हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन, नहीं ये भी ओवर होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा ज्यादा हुआ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बिलो बजट मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम है बजट ज्यादा है, तो मैंने मतलब बजट के अकॉर्डिंग ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया होगा, एक्चुअल खर्चा कम हुआ है तो ये भी ओवर एब्जॉर्प्शन है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी अबव बजट, वॉल्यूम एक्टिविटी मेरी ज्यादा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बिलो बजट, सेम वे एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो मेरा है वो है ज्यादा और बजटेड कम है, तो दैट मीन्स मैंने बजट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब ज्यादा कर लिया होगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर बिलो बजट है ना, कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा ज्यादा है और बजट कम है, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बिलो, ओ सॉरी एक्चुअल एक्सपेंडिचर बिलो बजट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा कम है कम है बजट से और बजट बजट ज्यादा है, ज्यादा। सो दैट मीन्स मैंने बजट में ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया हुआ, सो दिस इज ऑल्सो ओवर एब्जॉर्प्शन, सो हाँ ओके दैट्स वाई डी शुड बी दी आंसर, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बिलो बजट, कि वॉल्यूम एक्टिविटी मेरी जो थी वो बिलो बजट थी, एक्सपेंडिचर दोनों का सेम था, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक्चुअली कम यूनिट्स बनाए बजट से, खर्चा जो मेरा था एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो सेम एज बजट, तो जब मैंने एक्चुअल यूनिट्स कम बनाए, मैंने सोचा था कि मैं बजट में ज्यादा यूनिट्स बनाऊंगा लेकिन मैंने बजट में कम यूनिट्स बनाए, तो दिस इज ऑल्सो, ये हमारा क्या हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन, कि मेरा ज्यादा खर्चा हो गया, कि मैंने सोचा था कि ज्यादा यूनिट्स में इतना खर्चा होगा लेकिन मैं कम यूनिट्स में मैंने इतना खर्चा किया है, मैंने सोचा था ज्यादा यूनिट्स में इतना खर्चा होगा, मैंने हाँ बजट में सोचा था कि ज्यादा यूनिट में इतना खर्चा होगा लेकिन कम यूनिट में उतना खर्चा हो गया, सो दैट मीन्स मेरा एक्चुअल ज्यादा है, सो इसलिए हमारा डी शुड बी द आंसर। ओके विच सिचुएशन मोस्ट लाइकली लीड टू अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, लेबर एफिशिएंसी वाज सेम एज बजटेड, लेबर एफिशिएंसी का तो कोई रोल ही नहीं है, एक्चुअल ओवरहेड्स आर लेस देन बजटेड, एक्चुअल ओवरहेड्स मेरे ज्यादा थे बजटेड कम थे, तो बजटेड अगर कम थे इसका मतलब मैंने बी आंसर मुझे लग रहा है, एक्चुअल ओवरहेड्स आर लेस देन बजटेड ओवरहेड्स, नहीं हम बजटेड ओवरहेड से तो कंपेयर ही नहीं करते, हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, यही करते हैं ना, हाँ स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल अगर कम होते हैं हाँ एक्चुअल तो अंडर एब्जॉर्प्शन तो होता है। होता है, तो हमारा ये तो बजटेड वाला तो आएगा ही नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन बजटेड, कि एक्चुअल प्रोडक्शन मेरी कम हुई बजटेड प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है आगे देखते हैं, मोर एब्जॉर्प्शन बेसिस वर यूटिलाइज्ड एज बजटेड, मोर एब्जॉर्प्शन बेसिस वर यूटिलाइज्ड एज बजटेड, डी में मुझे मोर एब्जॉर्प्शन बेसिस वर यूटिलाइज्ड देन बजटेड, कि मैंने खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब किया, मोर एब्जॉर्प्शन बेसिस वर यूटिलाइज एंड बजटेड, कि जो एब्जॉर्प्शन थी मेरी एब्जॉर्ब मैंने ज्यादा खर्चे किए जबकि एक्चुअल कम थे, तो दिस इज ऑल्सो ओवर एब्जॉर्प्शन, आई थिंक कि मोर एब्जॉर्प्शन बेसिस है मतलब मैंने ज्यादा एब्जॉर्ब किया खर्चा और एक्चुअल कम था, एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन बजटेड, ये हमने जो ऊपर देखा था उसी का आ गया ना, कि एक्चुअल हमने प्रोडक्शन जो की वो ज्यादा करी, बजटेड प्रोडक्शन कम मतलब हमने सोचा था कि इतने कम यूनिट्स में, इतने कम यूनिट्स में हमारा इतना खर्चा होगा जबकि एक्चुअल यूनिट्स हमने ज्यादा बनाए, तो एक्चुअल यूनिट्स अगर हमने ज्यादा बनाए बजट से ज्यादा बनाए, इसमें अंडर एब्जॉर्प्शन कैसे हो गया,
एक्चुअल प्रोडक्शन लेस देन बजटेड, हम तो वैसे ही ओएआर निकालते हैं। इसको छोड़ो, मैं देखता हूँ, आई लुक एट दिस, आई लुक एट दिस, ये क्वेश्चन हाँ सर, वैसे ही ये है भी ना, ऑलमोस्ट सेम ही है। नहीं देखते हैं इसको भी। वॉट विल रिजल्ट इन ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स ओवर हेड्स, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स ओवर हेड प्रोडक्शन यूजिंग एब्जॉर्प्शन रेट ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। डायरेक्ट लेबर आवर से हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आवर्स, लेबर आवर इंटू आर पर यूनिट, तो यहाँ पे होगा लेबर आवर, एक्चुअल लेबर आवर, एक्चुअल लेबर आवर इंटू ओवर हेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर, हमें ये देखना है। और ओवर एब्जॉर्प्शन है मतलब हमारा ये ज्यादा था और एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारा कम है। कम था। एक्चुअल एक्सपेंडिचर मतलब एक्चुअल लेबर आवर इंटू एक्चुअल एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस पर आवर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारा ओवर मतलब ये ज्यादा है ये कम, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बिलो बजट एंड एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर अबव बजट। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हमारा है टोटल एक्सपेंडिचर वो है बिलो बजट एंड एक्चुअल लेबर डायरेक्ट लेबर आवर अबव बजट, बजट से ज्यादा हमारा ये है। ओके, एक्चुअल एक्सपेंडिचर अबव बजट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर अबव बजट, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं अभी। एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर बोथ ऑफ विच आर अबव बजट, एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल बोथ ऑफ विच आर बिलो बजट। मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन का ना, इसका कुछ क्रक्स निकालता हूँ, ये थोड़े से ट्विस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आई लुक एंड आई टेल यू द सॉल्यूशन। हाँ हर्ष बोलो, डी होगा क्या इसका आंसर? I'm not sure. सफा, I have to check for this. ओके, तुमने कैसे निकाला? वही उन्होंने पूछा है, ओवरहेड अब्सॉर्प्शन ऑफ, नहीं, फिक्स प्रोडक्शन एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स ना, ओवर तो इट इज अब्सॉर्प्शन एक्चुअल होगा लेबर आवर फिक्स प्रोडक्शन, हमने इनटू कुछ ओवर हेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर, दिस इज नहीं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मैंने तो थोड़ा सा लॉजिक लगाया क्या? कि फिक्स्ड फिक्स्ड ओवरहेड हमारा ओवर अब्सॉर्ब कब होगा, जब हमने फिक्स्ड ओवरहेड एंटिसिपेट जितने किए होंगे उससे कम हुआ होगा, राइट? बिल्कुल एक्चुअल कम हुए होंगे, हाँ, एंड सिमिलरली डायरेक्ट लेबर आज भी ओवर अब्सॉर्ब तब होंगे जब जितना एंटिसिपेट किया उससे कम टाइम में बन गया प्रोडक्ट। हाँ तो बिल्कुल, ऑन एक्चुअल करंट एक्चुअल लेबर आवर्स बोथ ऑफ विच आर बिलो बजट, एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल लेबर आवर, बोथ ऑफ विच आर बिलो बजट, मतलब दोनों भी चीजें कम थी जितना हमने बजट किया था, तो ओवर अब्सॉर्ब होगा। बट हम बजट से तो चेक ही नहीं करते ना, हम तो अच्छा, हम स्टैंडर्ड से चेक करते हैं, ओके वी चेक फ्रॉम स्टैंडर्ड ना, या राइट, तो या तो यहाँ पे लिखा होता बिलो स्टैंडर्ड, तब तो बात सही थी तुम्हारी कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एक्चुअल लेबर आवर हमारे ज्यादा हुए और स्टैंडर्ड कम थे, बट ये बजट लिखा, बजट से तो कभी हम कंपेयर ही नहीं करते, हम तो स्टैंड फ्लेक्स्ड और वो देखते हैं एक्चुअल, राइट। ये इशू है। तो मुझे अब एक्चुअली मैं यही देख रहा हूँ ये बुक में गलतियां हैं कि ये बजट को क्या मानते हैं, एक होता है बजटेड, हाँ क्या पता ये इस बजट को स्टैंडर्ड मानते हो, वी डोंट नो, है ना, वी डोंट नो, एज पर बिलो बजट मतलब हो सकता है एज पर एक्सपेक्टेशन, क्या पता वो इसको यूज कर रहे हो वर्ड एक्सपेक्टेशन विच इज स्टैंडर्ड, तो इश्यू राइट, ये है। तो मैं एक्चुअली काफी सारे सॉल्यूशंस चेक करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बजट को क्या समझते हैं, कि बजटेड समझते हैं या स्टैंडर्ड समझते स्टैंडर्ड। हैं, हाँ सर, ये ये कंफ्यूजन इशू है। होता है। क्योंकि इन्होंने अभी क्वेश्चंस बनाया ना, देखो इन्होंने एसीसी वालों ने अभी, इनको 6 महीने हुए, साल ही हुए अभी बनाया हुआ स्टडी हब, तो इसमें गलतियां हैं, मतलब देयर लॉट ऑफ टीचर्स, प्रशांत भी देयर आर, ही इज आल्सो सेंडिंग मिस्टेक्स जो है, ठीक है, लैंग्वेज जो है और क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता, जो इसमें क्वेश्चंस हैं दिस इज जस्ट टू मेक यू क्लियर द लैंग्वेज दैट कैन कम, क्वेश्चन का लेंथ, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, लेकिन यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि ऐसी चीजें लिखी होंगी, क्योंकि अगर मान लो एसीसी स्टडी हब में कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सेम क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आए, और आता भी नहीं, वो तो 11th 12th में हमारा होता था कि जो हमने सीबीएसई में या उसमें कहीं से पढ़ लिया सेम क्वेश्चन आ गया, इसमें ऐसा नहीं आता। सो कुछ मिस्टेक्स है यहाँ पे,
तो ये मेरे को दे वही मेरे को देखना है कि ये बजट है कि ये स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड है फिर तो हम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड है फिर तो हमारे आंसर सारे इजीली आ जाएंगे. लेकिन बजट है तो कोई तुक नहीं बन रही कि अब बजट कैसे हो सकता है. तो अब बजट मतलब एज पर आर स्टैंडर्ड, कि फ्लेक्स बजट की बात कर रहे हैं शायद ये, कि दे मस्ट हैव बीन टॉक अबाउट फ्लेक्स बजट, कि एज पर द फ्लेक्स बजट ये चीज है हमारी. तो मैं वो देख रहा हूँ. बट मैं तुम्हें कहूंगा एक काम करना, जस्ट डू वन थिंग सफा, जस्ट इनफैक्ट यू ऑल, अगर तुम्हारे को ऐसे किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो जहां पे भी तुम्हारे को बजटेड और स्टैंडर्ड ना गिवन हो, मतलब इट्स नॉट क्लियरली रिटन, बजटेड और ऐसे बजट लिखा हो तो कंसिडर दिस टू बी फ्लेक्स बजट, मतलब स्टैंडर्ड. एंड गिव योर आंसर अकॉर्डिंगली. अगर तुम्हारा आंसर सही आ रहा है दैट मीन्स वो इसको यही कंसिडर करते हैं. ठीक है, अच्छा नहीं वही है, ये लोग फ्लेक्स्ड बजट यूज करते हैं ना स्टैंडर्ड के लिए. हाँ तो हम वो वी डोंट नो, तो मैं वही कह रहा हूँ कि तुम ट्राई करना, अगर तुम्हारे 100 में से 90% क्वेश्चन सही आते हैं दैट मींस दे थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्ट. क्योंकि ऊपर भी जो क्वेश्चन था ना उसमें भी यही था, मैं दिखाता हूँ. ये भी देखो बजट है. अब बजट क्या है ये, दिस इज बजट, व्हाट बजट, बजटेड क्या है, ये इशू है. तो तुम अपने, तो मैंने तो फ्लेक्स के अकॉर्डिंग कोशिश की थी इसका निकालने की, तो तुम फ्लेक्स के अकॉर्डिंग आंसर निकाल के देखना सारे. ठीक है, फिर तुम देखना तुम्हारे आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे. आई थिंक 90% तक तुम्हारे सही आएंगे. ओके सर. अच्छा अब मुझे बताओ सफा, तुम्हारा एग्जाम किस डेट को तुम प्लान कर रहे हो? सफा, सेकंड को. आक्सा एंड हर्ष. सो सफा इज गिविंग एग्जाम ऑन सेकंड, आक्सा इज गिविंग एग्जाम ऑन सेवंथ, और हर्ष 1 अप्रैल. 1 अप्रैल. चलो दैट्स गुड. फर्स्ट को तुम दे रहे हो आज, 28, 29, 30, 31 फर्स्ट. ठीक है, 3 डेज आएंगे तुम्हें हर्ष. तो बस मॉक्स दो, दो तीन मॉक्स और दो. तुम्हारे फर्स्ट मॉक में इतने मार्क्स आए थे? 73. एंड सफा तुम्हारे आए थे 79. आक्सा डिड यू गिव द मॉक? यस सर. हाउ मच मार्क्स यू स्कोर्ड? 75. 75, दैट्स गुड. अगर फर्स्ट मॉक में तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तुम सेकंड मॉक में डेफिनेटली 80+ सारे ला सकते हो. डेफिनेटली यू कैन स्कोर फॉर 80+. ट्राई कर लो. ठीक है सर, अभी दो तीन मेरा मॉक बोलो वर्ष. पीओए कैसा रहना चाहिए, मतलब पीओए प्लान मींस, ऑफ एक्शन? अच्छा प्लान ऑफ एक्शन. प्लान ऑफ हाँ एक्शन देखो ये तुम्हारा अगर फर्स्ट को एग्जाम है हर्ष, मैं थोड़ा हाँ एक्चुअली तुम लेट, तुम्हारे यंगस्टर्स हो, हम थोड़े बूढ़े लोग हैं. नहीं तो सर. फर्स्ट का क्या है, देखो तुम्हारा फर्स्ट को एग्जाम है तो 30 और 31 को यू शुड नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन. फिर तो इस कल दिन का तुम्हें, हाँ इस दिन तुम्हें सिर्फ रिवीजन करनी है, या फिर अच्छा तुम ये कर सकते हो कि 30 जो है 30 का सेकेंड हाफ से लेके 31, इन दोनों दिन तुम्हारे को सिर्फ मैराथन वीडियोस देख के सारे फॉर्मूले सब कुछ A to Z जो है वो रिवाइज करनी. हम्म. मैराथन वीडियोस पूरी देखो एक बार, तो मैराथन वीडियोस देखनी देखनी है, नोट्स अपने साथ रखने हैं. सेकेंड टाइम सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करने. टिल 30th फर्स्ट हाफ, दैट मीन्स टूडे 28th, 29th एंड 30th फर्स्ट हाफ, कोशिश करो आज एक मॉक दे के सो जाओ. डाउट्स आएंगे मॉक में, उसको कोशिश करो खुद सॉल्व करने की. जो छोटा मोटा डाउट आता है वो आई विल हेल्प डेफिनेटली. ट्वेंटी ओके. नाइन्थ को दोबारा एक मॉक दो, चार मॉक है एटलीस्ट, तीन तो दो. तो यहां से तुम्हारे को एक क्लेरिफिकेशन आ जाएगी कि तीन मॉक्स में तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं. उसके बाद ये जो थोड़ी बहुत तुम्हें रिवीजन करनी है, जो कमियां हैं, जो डाउट्स वगैरह है, वो हम सारे यहाँ पे करेंगे. उसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है. और मैराथन वीडियोज अगर तुम दो बार देख लोगे दैट इज वेरी वेरी गुड, बट एक बार तो तुम्हें देखनी देखनी मैराथन वीडियोज. उससे एक क्या बार होगा तुम्हारा जो बोलो. रिवाइज कर रहा हूँ. और जैसे सर मेरा भी स्टडी हब का आई थिंक कुछ 3 सेक्शन बचे हुए करने के, वो हाँ मैंने पहले छोड़ा था कि आई रिवाइज एक बार फिर से उसके बाद करूंगा. आई थिंक वो जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग वाला है, वो तो इजी है, वो हो जाएगा 1-1.5 ठीक घंटे है, का. हाँ एंड बस देन ठीक उस है, बस ठीक है. तुम यही करो, तुम जो भी तुम्हारे को टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, सब कुछ करने हैं, वो आज कर लो. कल पूरा दिन कोशिश करो दो दो मॉक्स करने की. 2 घंटे का मॉक होता है एंड आई बिलीव तुम 1.5 आवर्स में कर लोगे, सारे कर लोगे तुम तीनों. नहीं सर, जो फर्स्ट वाला मॉक था उसमें मुझे एग्जैक्टली उतना टाइम लगा, 2 घंटे. फर्स्ट में लगा है ना, सेकंड में देखना कम लगेगा क्योंकि लॉजिकल अच्छा आंसर्स भी आएंगे ना.
तो 1.5 नहीं तो 1.45 लग जाएंगे, 1 घंटा 45 मिनट्स। तो ये को करो 29th को, दो मॉक्स करो 30th, फर्स्ट को जो वो मॉक्स वगैरह कर रहे हैं उसमें जो भी इश्यूज वगैरह है वो मुझसे डिस्कस करो, देन सिर्फ रिवीजन। जितने ज्यादा अगर तुमने इस डेट को कोई क्वेश्चन करे और वो 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए ना तो टेंशन हो वही जाएगी, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। वो नहीं करना। तुम्हारे मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड, सिर्फ यहाँ पे तुम्हें करनी है रिवीजन एंड दैट्स इट, एंड उसके बाद एग्जाम। बट नहीं सर, इस बार अराउंड 17 लाने, फर्स्ट टू एग्जाम्स में अराउंड 17 आए थे। सेवेंटीन नहीं, कितने कह रहे हो? 70 अरे परसेंट 70 नहीं यार, इस मॉक में तुम 70 प्लान, नेक्स्ट मॉक में कह रहे हो एग्जाम में कह रहे हो? मेन एग्जाम जो मैंने इसके पहले दो दिए थे F3 और BT, उसमें हाँ मेरे मार्क्स अराउंड 70 ही आए थे ना, अब मुझे बार थोड़ा बढ़ाना है। 70 नहीं, तुम 90 प्लस सोचो हर्ष, मैं तो तुमसे 90 सोच रहा हूँ, तुम तीनों हाँ से मैं 90 सोच रहा हूँ। तो मेरा भी वही माइंडसेट है, लेकिन वही है, अगर अराउंड 70 ही आ रहे हैं वापस से मार्क्स तो फिर मजा नहीं आएगा, ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, ग्राफ जाएगा ऊपर, तुम जो मेहनत कर रहे हो, जिस लेवल की मेहनत कर रहे हो, जिस लेवल के तुम तीनों के कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो हमारा जो F2 का बैच था, तुम बैच में अगर ग्रुप में देखो, देयर आर आई थिंक 8 to 9 स्टूडेंट्स, यू आर दी ओनली 3 हु आर कंसिस्टेंट, बाकी सारे बच्चे कोई गायब है, कोई कुछ है, कोई क्लास लगाता है, कोई नहीं लगाता, ठीक है ना? तो यू 3 आर कंसिस्टेंट, तो जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहेगा वो डेफिनेटली मार्क्स स्कोर करेगा, जो कंसिस्टेंट नहीं है मैं उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, फिर भी वो डाउट्स ग्रुप में पूछते हैं तो मैं सॉल्व करता हूँ, बट मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता क्योंकि मुझे पता ही नहीं उनका क्या चल रहा है। तुम अब क्वेश्चन कोई होता है, देर आर सम, देर आर मेनी न्यूमरस टाइम्स जब मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यू हैव हेल्प मी हर्ष, सफा, आक्सा, यू हैव हेल्प मी इन सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस लॉट ऑफ टाइम्स। सो व्हाट डज दिस मीन, कि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है, एंड जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है दैट मीन्स दैट इज ओनली थिंग, हमें स्टडीज इसीलिए करनी है कि हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें है तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे हमारे, दैट इज वॉट वी वॉन्ट, और यही हमें करना है क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा ही है, दिस इज फॉर्मूलाज प्लस कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स जो था F3 वो पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड था, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कोई, वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, वो रट्टाफिकेशन। F1 जो है दैट इज पूरी थ्योरी, वो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है उसमें, कॉन्सेप्ट है थोड़ी बहुत लर्निंग, इसमें तुम्हारा प्रैक्टिकल प्लस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल है, कॉन्सेप्ट बढ़िया तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है? चलो अब हम क्लास करते हैं इतनी, तुम्हारे को आगे जो भी डाउट्स है मुझसे ग्रुप में शेयर करना, बाकी साफा यू आर गिविंग एग्जाम ऑन टू, सेम गोज फॉर यू, कि 30th की जगह 31st के सेकेंड हाफ तक तुम्हारे को, बल्कि 31st तक तुम्हारे को जो करना है करना है, 31st एंड फर्स्ट को ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट रिविजन, इसके अलावा कुछ नहीं करना, मॉक्स वो मैराथन वीडियोस देखो, मैराथन नोट्स में से रिवाइज करो, एंड नोट्स को कीप ऑन रिवाइजिंग दी नोट्स, सारे फॉर्मुलेस जो हमारे हैं मार्जिनल वेरियंसेस वगैरह सारे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? ओके सर, एंड बाकी आक्सा तुम्हारे लिए अभी व्हाट विल डू, वी कैन प्लान के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में विल हैव अ क्लास, उस क्लास में सफा तुम भी आना, हर्ष तुम भी आना, अपना एग्जाम का रिव्यू देना, आक्सा की काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना? जो लेट एग्जाम देता है उसको एडवांटेज मिलना चाहिए, ओके ठीक है? तो आक्सा को एडवांटेज उस चीज का मिलेगा, प्लस जो भी तुम्हारे डाउट्स है आक्सा, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। बाकी सफा और हर्ष तुम्हारे जो भी डाउट्स हो तो, हाँ बोलो। मैंने एकदम ऐसा रश तो नहीं कर दिया ना एग्जाम बुक करने में? नहीं, इट्स 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 गुड, इट्स एक्चुअली गुड, बिकॉज तुम डिले ज्यादा करोगे ना तो उसमें तुम्हारा लॉस है, अभी यू आर प्रिपेयर्ड, तुमने मॉक कर लिया, मॉक में तुम्हारे देखो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैंने नहीं लिखे, तुमने बताए हैं तभी लिखे हैं, मैंने अपने आप नहीं बनाए, मैंने, इट इज यू हैव गिव मी दी मार्क्स, सो दैट मीन्स अगर तुम ये एग्जाम दे दे तुम्हारे वैसे ही पास हो, पास तो तुम हो ही, बट अब सिर्फ इन्हेंसमेंट करनी है कि इससे हमें पहुंचना है 90 तक, वो चीज हमें करना है, तो वो चीज करने के लिए 2 से 2 दिन बहुत है, 2 से 3 दिन बहुत है, तो अगर तुम डिले कर दोगे ना तो बहुत सारी चीजें हैं फॉर्मुलेस भूलने शुरू कर दोगे, बोर्डम शुरू हो जाएगी, और जो बोर्डम होती है ना उसमें तुम्हारी स्टडी का काफी लॉस होता है, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी रीजन की वजह से एग्जाम नहीं दे पाते, जैसे आई थिंक साफा के साथ हुआ था, है ना? तो उसमें क्या होता है, अगर तुम किसी रीजन की वजह से एग्जाम ना दे पाओ और बाद में दो ना, सेकेंड टाइम तुम्हारी वो वाली बात नहीं रहती, क्योंकि वो सब्जेक्ट पहले पढ़े हुए तो बोर हो जाते हैं, पढ़ा तो हुआ है सब कुछ, अभी ये सब्जेक्ट नया है, क्वेश्चंस कर रहे हो, गलतियां हो रही है तो इंटरेस्ट बन रहा है, लॉजिक लगा रहे हो, वो चीज, ठीक है? तो टुडे इज ओके टुडे इज थर्सडे, सैटरडे को आफ्टरनून में वी कैन ट्राई टू हैव अ क्लास, सैटरडे आफ्टरनून वी कैन ट्राई टू हैव अ क्लास, अगर तुम्हारे को डाउट्स वगैरह है, दैट मीन्स 30th को हम एक क्लास कर सकते हैं, हर्ष और साफा स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए, नाक्सा ऑल्सो फॉर यू, तुम्हारे डाउट्स वगैरह होंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे, बट आई वुड प्रेफर कि अगर तुम्हारे डाउट्स
थोड़े से हैं तो लेट इट बी, आंसर से देख के समझ लो बस। हाँ सर, उसकी वही करता हूँ, जब मुझे आंसर की नहीं समझता तभी मैं आपको पूछता हूँ। ठीक है चलो, एनीथिंग एनीवन हाँ वांट टू आस्क? नो सर, लास्ट लास्ट थिंग सर, ऑफ कोर्स अबाउट स्टडीज सर। सर मार्जिनल कॉस्ट में सर सेलिंग प्राइस में से हमेशा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस होती है, राइट? जब कंट्रीब्यूशन अपन के लिए वेरिएबल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन के कॉस्ट, लिए, बट दैट्स मार्जिनल कॉस्ट जो होती है दैट इंक्लूड्स वेरिएबल प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन। हाँ वो तो उसमें, बट जब अपन और क्लोजिंग स्टॉक में भी खाली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग की क्लॉज मार्जिनल यूज कॉस्ट में तो करते क्लोजिंग, मार्जिनल कॉस्ट में तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता ही नहीं है। नहीं सॉरी, सर, मार्जिनल आता है क्लॉस, ना? मार्जिनल, हाँ मार्जिनल कॉस्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन होती प्रोडक्शन। और सर वही अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो उसमें से सेलिंग है। प्राइस वेरिएबल और प्रोडक्शन नहीं, प्रॉफिट वेरिएबल निकालते हैं सर। प्रोडक्शन प्लस फिक्स प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन ही होता ओवरहेड है ना सर। एब्जॉर्प्शन रेट का, हाँ वो ओवरहेड, यही एक्स्ट्रा होता है एब्जॉर्प्शन में, मार्जिनल में ये नहीं होता क्लोजिंग स्टॉक में। ओके अच्छा ठीक है। और सर प्रॉफिट भी अगर स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में प्रॉफिट निकालना है, तो उसमें से भी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्रोडक्शन प्लस फिक्स प्रोडक्शन माइनस करते, राइट? दोबारा बोलो सर क्या पूछा तुमने? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तब अपन स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट निकालते हैं, तो उसमें से आई थिंक मेन कंफ्यूजन है मुझे, उसमें से एब्जॉर्प्शन सेलिंग कॉस्टिंग में प्राइस प्रॉफिट निकालना मतलब सिंपल, हमारा उसमें या तो तुम पर यूनिट देखो, अगर तो क्लोजिंग स्टॉक दिया पर हुआ है यूनिट की बात कर रही हूँ मैं। तो वो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट, पर तो यूनिट तब एब्जॉर्प्शन स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट निकालते हैं ना, सेल्स प्राइस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के लिए उसकी बात करें। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कह रही हो तुम? हाँ तो वो टोटल प्रॉफिट होगा, उसमें फिक्स एक्सपेंस वगैरह सारे माइनस होते हैं। अच्छा, खाली प्रोडक्शन के ही माइनस होती कि नॉन प्रोडक्शन भी नॉन अपन प्रोडक्शन भी, नॉन प्रोडक्शन भी, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस होंगे, राइट? हाँ ऑल तो ठीक एक्सपेंसेस, है ओके। ठीक है ना? एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू। चलो गाइस क्लास करते हैं ओवर, परसों अगर लगा तो मुझे बताना, विल हैव अ क्लास इन आफ्टरनून, इवनिंग में आई हैव स्किल लेवल क्लासेस। और सर एग्जाम बाद क्या करना है वो सर, एग्जाम के नेक्स्ट डे क्लास वो या कर लेंगे कब एक बार, स्पेशल? एग्जाम दो, एग्जाम देके एक दो दिन थोड़ा रिलैक्स होकर करो, कर लेंगे वो हाँ भी, डोंट वरी, ठीक ओके सर, है ना? चलो ओके, ओके गाइस, टेक केयर, टेक केयर सर, टेक बाय केयर बाय। सर, बाय बाय। ओके।